देयर इज हाई रिस्क। सो इस तरह हमें पता चल चुका है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्ट की क्या है और रिस्क क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमजद जाहिद, इनेबल स्टूडेंट ऑफ पीए बैच 1 अंडर द मेंटोरशिप ऑफ नेम अफशान आबिद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए और पीपीसी कैंपेन के लिए। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसमें हम रेलिवेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो भी जानेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अपॉर्चुनिटी और रिस्क कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, मे बी थोड़ी बहुत लेंथी हो। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट में आ जाना है, और मैंने एक रेंडम प्रोडक्ट उठाई है, और उसके बाद आपने स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट हैं उन्हें डिलीट कर देना है, रिमूव करके उसके बाद आपने सेल्स को सॉर्ट कर लेना है। सो सेल्स को सॉर्ट करने के बाद आपने अपने 10 कंपिटिटर चूज कर लेने। मीन्स कि आपने ये देखना है कि इन सब प्रोडक्ट का डिज़ाइन एक ही होना चाहिए। इस तरह आपने 10 कंपिटिटर चूज करने, उसके बाद आपने रन सेरिब्रो पे क्लिक कर देने। तो जी हम सेरिब्रो पे आ चुके हैं, और इसने तमाम के तमाम 10 जो कंपिटिटर्स थे उन तमाम के तमाम कीवर्ड्स को फेच कर लिया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8,718 कीवर्ड्स हैं। लेकिन हम इसी तरह एक्सपोर्ट नहीं कर लेंगे, बल्कि उससे पहले हमने फिल्टर अप्लाई करने हैं। तो फिल्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो कि हमने सर्च वॉल्यूम जो मिनिमम रखना है वो 300 रखना है। सर्च वॉल्यूम रख लेते हैं 300। उसके बाद नंबर 2 जो फिल्टर होगा वो होगा मैच टाइप का। इसमें आपने ऑर्गेनिक रख लेना है, कि मीन्स हम स्पॉन्सर्ड और अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड्स को नहीं लेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को लेंगे। फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमारे कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं। मैंने इसका सर्च वॉल्यूम सॉर्ट कर लिया है, मीन्स हाई टू लो, और उसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा CSV फाइल में। तो अब हम एक्सेल में आ चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो मेन कॉलम है हमने उन पर वर्क करना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कॉलम को रिमूव कर दिया है, और उसके बाद मेरे पास जो मेन कॉलम बचते हैं वो कीवर्ड फ्रेज का है, सर्च वॉल्यूम का है, ये पोजिशन रैंक लिखा हुआ है। पोजिशन रैंक की जगह मैंने इसका इससे जो फर्स्ट कंपिटिटर था उसके इस यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर पोजिशन रैंक लिखा आता है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये पहला कंपिटिटर है। तो हमने यहाँ पर इसे दोबारा लिख लेना है, ये हमारा सबसे पहला कंपिटिटर था, इसका एसिन हमने कॉपी कर लिया, और अब हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंपिटिटर हो गया। उसके बाद जो तमाम के तमाम जो कॉलम है वो सेट हो चुके हैं, उसके बाद हमें रेलिवेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमने दो तीन चीज़ें और भी करनी है। तो मैंने इसके साथ एक रेलिवेंसी का कॉलम बना लिया। ओके, सो अब यहाँ पर रेलिवेंसी का फार्मूला जो है वो आपने नोट कर लेना है, इक्वल टू काउंट इफ। यहाँ पर डबल टैप करने के बाद आपको ये कहेगा कि आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें और क्राइटेरिया पुट करें। मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास जो 10 कंपिटिटर हैं, उसके बाद मैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन और 30 कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अमेजोन के जो फर्स्ट पेज है इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद अमेजोन के जो फर्स्ट पेज पे 30 स्पॉट्स में जो कंपिटिटर बैठे हैं उनकी कीवर्ड मुझे चाहिए। मीन के 30 जो स्पॉट्स पर कंपिटिटर जिन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं वो कीवर्ड मुझे चाहिए, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से 48 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने 30 रखे क्योंकि मुझे अच्छे कीवर्ड्स नजर आए, अच्छे कीवर्ड और हाई रेलिवेंट मुझे कीवर्ड्स मिले, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे रेलिवेंसी इसकी शो हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स हैं उन सब की रेलिवेंसी खुद ब खुद उनके सामने आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके सामने आऊंगा, इस कीवर्ड इस पर टैप करूंगा, तो इसके कोने पर मीन्स कॉर्नर पे लेके इसको डबल टैप कर लूंगा। सो डबल टैप करने के बाद मेरे पास तमाम के तमाम कीवर्ड्स की रेलिवेंसी उनके सामने मौजूद है। अब एक और मैं काम करूंगा, जो कि इस पर फिल्टर अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं फिल्टर Z to A कर लेता हूँ,
तो अब ये 8 to 7 मीन्स कि ये हाई टू लो आ चुके हैं। तो अब हमारे पास रेलिवेंसी तमाम के तमाम कीवर्ड्स की आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि तमाम के तमाम जो कंपिटिटर हैं इन्होंने कितने कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग में इस्तेमाल किए हुए हैं, मीन्स यूज करके वो रैंक हुए हैं फर्स्ट पेज पे। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मेरे पास टोटल कीवर्ड्स कितने हैं। कीवर्ड्स फर्स्ट कीवर्ड पे प्रेस करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट दबाकर डाउन एरो को प्रेस कर लूंगा। अब मेरे पास 1784 कीवर्ड्स टोटल हैं, 1784 कीवर्ड्स। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह छोड़ देनी है, मीन्स इतनी। और यहाँ पर मैंने अपॉर्चुनिटी का टैब ना लेना एंड दिस। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख लेने कि मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं। सो 1784 टोटल कीवर्ड्स। फर्स्ट एसिन के ऊपर यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है, इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इस कंपिटिटर ने 1784 कीवर्ड्स में से कितने कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल किए हैं और जिसकी वजह से ये फर्स्ट पेज पे रैंक है। इसकी रेलिवेंसी भी 8 है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। फार्मूला सेम है, इक्वल टू काउंटिव, इस पे डबल प्रेस करेंगे। रेंज हमें सेलेक्ट कर लेनी है, तो रेंज हमारी है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस कर लेता हूँ। तमाम के तमाम कीवर्ड्स इसने सेलेक्ट कर लिए हैं, मींस कि हमारी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमने क्राइटेरिया इसका पुट कर लेना है, लेस देन 30 एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपटीटर ने 1036 कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल करके रैंक हुआ है फर्स्ट पेज पे। मीन 17 आउट ऑफ 1784 कीवर्ड में से 1036 कीवर्ड इसने इस्तेमाल किए। इसी तरह हम दूसरे जो कंपटीटर हैं उन्होंने कितने यूज किए हम वो भी पता कर लेते हैं। इसी तरह मैं इसके कॉर्नर पे जाऊंगा और हमारी जो रेंज है मीन्स के जितने भी कंपटीटर हैं वहां तक मैं इसे ले जाऊंगा और छोड़ दूंगा। अब इसने मुझे बताया है कि ये सेकंड वाला जो कंपटीटर है इसने 32, थर्ड वाले ने 100 एंड सो ऑन। इसी तरह मतलब ये कि कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग में इस्तेमाल करके रैंक हुए हैं। सो ये वाला मेरा टफ कंपटीटर है क्योंकि सबसे ज्यादा कीवर्ड इसने इस्तेमाल किए अपने लिस्टिंग पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट परसेंटेज में शो हो कि इस कंपटीटर ने एग्जैक्टली कितने परसेंट कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल किए। तो परसेंटेज फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं परसेंटेज का एक ऐप बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं फार्मूला एक अप्लाई करूंगा इक्वल टू, और इसके बाद मैं अपनी जो फर्स्ट वाला है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मीन्स के D5, D एंड Row 5। इसको मैं डिवाइड करूंगा अपने टोटल कीवर्ड के साथ। सो डिवाइडेड बाई टोटल कीवर्ड्स 1784। अब मुझे इसने परसेंटेज शो कर दी है कि मीन्स इस तरह इतनी परसेंटेज, लेकिन ये क्लियर तो परसेंटेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज के टैब में आता हूँ और इसे अप्लाई कर लेता हूँ। सो यस, सो इसी तरह मैं इसके कॉर्नर पे जाके तमाम के तमाम जो मेरे कंपिटिटर हैं उनकी परसेंटेज को फाइंड कर लेता हूँ। सो यस, तमाम के तमाम कंपिटिटर की परसेंटेज शो हो चुकी है। मीन किस मेरा जो तगड़ा कंपटीटर है वो ये वाला है, फर्स्ट वन वाला, 58% कीवर्ड इसने इस्तेमाल किए हुए हैं आउट ऑफ 1784। सेकेंड वाले ने 2%, 6%, 1%, 2%। इसी तरह मीन्स कि हमारे पास अब परसेंटेज में रिजल्ट शो हो रहा है। सो हमारे पास परसेंटेज भी आ चुकी है और हमारे पास कीवर्ड्स कितने हैं टोटल वो भी हमें पता चल चुका है। हम इस पहले टैब को क्योंकि ये हमारे पास तगड़ा कंपटीटर है इसको हम ऑरेंज, और सेकंड वन 2% है इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। 6%, 2%, 2% मीन्स के इस तमाम के तमाम को मैं
ग्रीन दे देता हूँ। सो हमारे पास अब मैंने तमाम के तमाम कंपिटिटर के टैब्स को एक कलर दे दी है, जिससे मुझे क्लियरली रिजल्ट सारे शो हो रहे हैं। सो फर्स्ट वाला जो कंपिटिटर था वो तगड़ा था, इसलिए मैंने इसे ऑरेंज दी और बाकी तमाम को ग्रीन। सो अब हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। इफ दे आर मोर देन 5 कंपिटिटर्स हैव ग्रीन कलर देन देयर इज हाई अपॉर्चुनिटी। मीन्स कि अगर हमारे पास 5 से ज्यादा कंपिटिटर ग्रीन टैब में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। और रिस्क हमारे पास क्या है, इफ देर आर इफ देर आर मोर देन 5 कंपिटिटर्स हैव ऑरेंज कलर देन देर इज हाई रिस्क। सो इस तरह हमें पता चल चुका है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस प्रोडक्ट की क्या है और रिस्क क्या है। मीन्स कि हमारे पास एक ही हमारे पास कंपिटिटर जो है वो ऑरेंज में, और कंडीशन क्या है कि 5 होने चाहिए तब हमारे पास हाई रिस्क की प्रोडक्ट होगी। इसका मतलब है कि हाई रिस्क की प्रोडक्ट नहीं है ये, हमारे पास एक अच्छी खासी हाई अपॉर्चुनिटी वाली प्रोडक्ट है। अब जो अमेजोन पीवीसी कैंपेन रन करते हैं या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उन्हें ये अच्छा खासा पता होगा कि हमारे पास हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं। मेरे लिहाज से जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होते हैं वो 10 से लेकर 6 तक या 5 तक होते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहना कि हमने यही इस्तेमाल करने अपनी लिस्टिंग में, या अगर हमने पीपीसी रन करनी है तो ये इस्तेमाल करने। हमने बाकियों को तो निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं ये वाला कीवर्ड, मीन्स इस कीवर्ड के देखूंगा तो इसका सर्च वॉल्यूम 14,745 है, इसकी रेलिवेंसी भी अच्छी खासी है। तो दूसरा कंपटीटर भी कहेगा कि मैंने भी ये अपनी लिस्टिंग में या अपनी कैंपेन में ये इस्तेमाल करना है, तो इससे कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। और अगर हम जो बाकी जिनकी रेलिवेंसी कम है, अगर हम उन पर वर्क करें, उनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इस तरह हमें कंपटीशन से बचकर अच्छे मतलब सेल्स आ सकती हैं या अच्छे रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। और क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा वीडियो इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।